हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं स्नेहलता दुबे अब आपको उड़द दाल की इंस्टेंट कचौड़ी मिक्स या पराठा में बनाने के लिए जो भरावन होगा उसकी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने इससे 2 कटोरी उड़द मीन्स हाफ केजी उड़द, 1 चम्मच हल्दी लूंगी, 3 चम्मच मैंने लिया सौंफ, 8 से 9 मिर्चें लाल सूखी हुई, 7-8 क्लोव्स मीन्स लौंग, 3-4 टुकड़े इलायची सूखी हुई, जिंजर, जावित्री छोटी इलायची 5 से 6, मैंने लिया है जीरा 2 टेबल स्पून, धनिया 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून काली मिर्च, नमक और थोड़ी सी हींग डालूंगी। पहले मैं अपने रोस्ट करूंगी उड़द दाल को, उसके बाद मैं रोस्ट करूंगी मसालों को, फिर ठंडा करके हम पीसेंगे इसे। पीसते समय हम इसमें हल्दी, नमक और हींग इन चीज़ों का भी इस्तेमाल करेंगे। हमारा पैन गरम हो चुका है। हम इसमें उड़द दाल डालेंगे। आप उड़द दाल डालिए। उड़द दाल साफ करके बीन के थोड़ा सा गीले कपड़े से पोंछ भी लीजिए, ताकि धोई ना हो तो इस साफ हो जाए। इसके बाद आप कम कम लीजिएगा, हाफ केजी है तो 2 से 3 बार में। अगर इसका बेस ज्यादा हो तो आप 200 ग्राम तक दालें ले सकते हैं, 150-200 ग्राम। अगर पैन के बेस कम हो तो आप कम लीजिएगा। इसे कपड़े से हिला हिला कर साफ कीजिएगा, कपड़े से हिलाइएगा, साफ कपड़े से। ये देखें, या तो आप टिश्यू पेपर का भी यूज कर सकते हैं, 3-4 टिश्यू पेपर एक साथ मिला के, क्योंकि चम्मच से अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगी सब तरफ से। इसे आप 5 से 6 मिनट अच्छे रोस्ट कीजिएगा, जैसे क्योंकि हम उड़द दाल की कचौड़ी बनाते हैं तब उसे क्या करते हैं कि पीठी तैयार करते हैं, पहले भिगो के पीस के भून के एकदम पीठी तैयार, और हम रेडीमेड इंस्टेंट पीठी बना रहे हैं तो हमें इसे एकदम अच्छे से रोस्ट करना है, जरा भी कच्चा ना रहे। जैसे भुने चने का सत्तू बनता है वैसा ही रोस्ट होना चाहिए। अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तब आप पैन में इसे छोड़ दीजिए। थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम सब कुछ मिलाकर इसे पीसेंगे। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमारी उड़द दाल में अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम अपने बाकी दालों को भी ऐसे ही रोस्ट कर देंगे। इसे थोड़े देर हम पैन में छोड़ देंगे अभी, ताकि और अच्छी रोस्ट हो जाए। गैस ऑफ कर देंगे। हम अपनी कचौड़ी के लिए मसाले रोस्ट करेंगे। धनिया, हाफ केजी के लिए ये तैयार कर रहे हैं। 3 टीस्पून हमारा है सौंफ, 2 टेबल स्पून हमने जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, 1/4 लौंग, दालचीनी हाफ केजी के लिए है, 10-12 लौंग, 5-7 इलायची और जीरा। इनको रोस्ट कर लें हम 1 से 2 मिनट, और 7 से 8 ये अपनी मिर्चें। आप चाहें तो और अधिक बढ़ा सकते हैं।
इंस्टेंट बना रही हूँ कचौड़ी का मसाला, तो मैं सारी चीजें और हींग भी इसमें हम डाल देंगे पीसते समय, सब चीजें तैयार कर लें। बस हमारे मसाले भून चुके हैं, हम इसे इसी गरम पैन में ही छोड़ देंगे रोस्टिंग के लिए, ये रोस्ट हो जाएंगे धीमे धीमे। हमारा उड़द दाल मसाला भी एकदम तैयार है। अब ये ठंडा हो चुका है, मैं इसे भूनने के लिए डालूंगी जार में। हम इसमें नमक डालेंगे आधा टीस्पून बड़े वाले साइज से, और छोटे वाले से टाटरी डाल रहे हैं हम। आप कम या ज्यादा अपना टाटरी या नमक की मात्रा कर सकते हैं। ये हम 6 से 7 महीने तक इसे रख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा ड्राई रोस्ट रहेगा एयर टाइट कंटेनर में, और आप जब चाहें तब इसे बना सकते हैं, पराठे भर सकते हैं या कचौड़ी। नमक नहीं डालेंगे और मिर्च नहीं डालेंगे, लहसुन, तो आप इसकी मीठी पूड़ी भी बना सकते हैं। मसाला पीस रहा है, रोस्टेड उड़द दाल का कचौड़ी मसाला तैयार है। देखिए एकदम ड्राई है ये पूरी तरह, जो कि इसमें हमने रोस्टेड लहसुन डाला था, फिर भी ये पूरी तरह ड्राई है। आप इसे 6 से 7 महीने रख सकते हैं एकदम टाइट कंटेनर में, जब बनाना हो तभी बाहर निकालिए, और इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा या ऑयल डाल के, प्याज अदरक वगैरह काट के, आप चाहें तो हरी, और ना भी काटिए तो ऐसे प्याज काट के हरी धनिया काट कर आप इसे भरकर इसका पराठे या इसकी समोसे, या आप चाहें तो इसकी कचौड़ी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये कचौड़ी बनाने या ड्राई कचौड़ी या ड्राई समोसे या पराठा भराने की भरावन पसंद आई हो, या भरने का मसाला, तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलूंगी। थैंक यू।